Hello student, today we will discuss class 7 chapter in teacher. अब अगर हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे class 7 का first chapter है. इंटीजर की अंदर सबसे पहला इंटीजर में पढ़ो तो पहला आप कुछ और नंबर सिस्टम बारे पढ़ते हैं. पहला क्या होता है अपने को नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर की अंदर जो नंबर के काउंटिंग लिए यूज किए जाते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 जो नेचुरली अपने अंदर आते हैं उन्हें की कहते हैं नेचुरल नंबर. लाइक 1 2 3 4 दीस ऑल आर नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का मीनिंग किया है जो नेचुरली अपने अंदर जो बच्चा की है स्टार्टिंग विद सिक्स दैट आर नेचुरल नंबर्स. उसके बाद आ गया अपने को होल नंबर्स. होल नंबर्स की होंगे अपने को होल नंबर जो नेचुरल नंबर के नाल आप जीरो नु भी काउंट करते हैं दैट इज 0 1 2 3 अप टू 4. देखो ये नेचुरल नंबर है जो ये बड़े है कि ये नेचुरल नंबर है पर इनके नाल की आ गया अपने को एडिशन दे विच जीरो आ गया. मींस जब नेचुरल नंबर के नाल आप जीरो नु भी काउंट करते हैं दैट आर होल नंबर. देन इट्स इंटीजर. इंटीजर्स की होंगे इंटीजर्स वो सेट मतलब नंबर सेट होंगे जिंद पॉजिटिव नंबर भी होंगे तो नैगेटिव नंबर भी होंगे. लाइक 1 2 3 4 5 दीज आर पॉजिटिव 0 -1 -2 -3 -4 मीनिंग इंटीजर वो नंबर होंगे जिंदे आ नंबर अपने को आ गए पॉजिटिव ये अपने को आ गए नैगेटिव. मीनस जिंद पॉजिटिव नंबर भी आ गए नाल की आ गए नैगेटिव नंबर नाल की आ गए अपने को जीरो. तो यह सारे सैट में की कहता है इंटीजर. दीज ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स. इंटीजर में की होंगे साइन लगे होंगे दीज आर पॉजिटिव नंबर्स एंड दीज आर नेगेटिव नंबर्स एंड दिस इज अ जीरो. इन्हें की क्या होंगे इंटीजर्स क्या जाते हैं और इंटीजर्स नु अपन नंबर लाइन के ऊपर किवें रिप्रेजेंट कर दें. रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइक आवर representation of integer on number line. Number line से जिमें आपका किया -3 -1 5 4 को represent कर रहा है तब आप किमें करांगे that is our number line. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 5. यह अपने को लिए positive number आ गई increasing order में. इधर की है increase हो रहा है. इधर number की हो रहा है decrease हो रहा है. इधर ले पासे number increase होंगे इधर ले पासे number की होंगे decrease होंगे. लाइक अपन पहला -3 नु रिप्रेजेंट करना दैट इज आवर -3 अपन रिप्रेजेंट करता -3. नेक्स्ट इज -1 दैट इज आवर -1 पहला अपन -3 नु रिप्रेजेंट कीता हुन अपन नु रिप्रेजेंट कीता -1. नेक्स्ट इज 5 दैट इज आवर पॉजिटिव नंबर 5. देन इट इज 4 दैट इज आवर +4 एंड दैट इज आवर +5. ये अपने को किसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन इस तरीके नाल की आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर किसी भी इंटीजर्स को. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ. नेक्स्ट टॉपिक अपने को एडिशन ऑफ
इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन की हेल्प ना आप किवें ऐड कर सकते हैं, लाइक 3+2 है मैं ऐड करना है। सब तो पहला मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3 यार मैं की बनाती एक नंबर लाइन बनाती हूँ ना ऐड करना। पहला देखो मैं किसे एक नो रिप्रेजेंट करूँगा, मैं किनो रिप्रेजेंट किया 3 नो, 3 नो मैं की कर लिया रिप्रेजेंट कर लिया। जेसा नंबर पॉजिटिव है तब एक साइड जंप करांगे, जे नेगेटिव है तो इस साइड जंप करा। देखो नंबर मेरे को की है पॉजिटिव तब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जंप करूंगा, कितने जंप करूंगा मैं 2 जंप करूंगा, दैट इज 1 एंड 2 कितने पहुंच गया अपन 5 पे, तो 3+2=5 मीनिंग की है किसे एक नंबर नो रिप्रेजेंट करना है ते दूसरे नंबर नाल की जंप करने हैं। पॉजिटिव है तो इस साइड जाना है, नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइड पे और लाइक मेरे को है 4+-2 मेरे को आ गया 4+-2 हम देखो एक नंबर की है मेरे को नेगेटिव। सब तो पहले की करेंगे अपन 0, 1, 2, 3, 4 मैं किसे एक नंबर को रिप्रेजेंट किया, मैं किन्नो रिप्रेजेंट किया नंबर 4 मैं 4 नु की कर लिया अपने रिप्रेजेंट कर लिया। उस तो बाद की करने दो जंप करने हैं पर किस साइड करने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने हैं, दैट इज आवर फर्स्ट जंप दैट इज आवर सेकंड जंप। सो 4+-2 सो आंसर इज याद रखना है एक प्लस एक माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा की होती है माइनस होती है, तो प्लस नो माइनस ना मल्टीप्लाई की बढ़ गया माइनस। और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा माइनस होता है पर साइन किंदा लगता है जो ग्रेटर होता है, ग्रेटर कौन है 4 तो ग्रेटर का साइन की सी प्लस तो की आ गया अपने को 2 आंसर आ गया, 4 से 2 गया कितना आ गया अपने को 2। इस तरीके ना एक और सम कर दिया। नेक्स्ट सम में अपने को 5+-7 तो इस पर आप किवें करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1, -2, -3, -4 मैं इस तरह से एक नंबर लाइन बनाई, मैं किसे एक नो रिप्रेजेंट करूंगा, इस बार मैं किनो रिप्रेजेंट किया 5 नो, मैं 5 नो की कर लिया रिप्रेजेंट कर लिया। हम ध्यान रखना है जंप किन्ने करना है 7 करने हैं, जिधर पॉजिटिव होगा तब आप ए साइड जंप कर रहे और नेगेटिव है तो आप किया है ऑपोजिट साइड पे जंप कर रहे, कितने जंप करने हैं 7 That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 तो मैं कितने आ गया -2 थे, तो मेरा आंसर कितना आ गया -2 पर जब वैसे करना होता तो कैसे करते 5+-, याद रखो प्लस से माइनस की हो गया माइनस। और एक पॉजिटिव है एक की है नेगेटिव है, याद रखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑलवेज की होंगे माइनस होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा की होंगे माइनस। तो देखो 7 जो 5 है कितना आ गया 2 आ गया, पर साइन कितना लगेगा जो ग्रेटर है, ग्रेटर कौन है अपने को 7, 7 का साइन की है माइनस, तो अपने को कितना आ गया -2। जिवें एक कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो तगड़ा है उनदे की है चलेगी, और इससे तगड़ा कौन है 7, तो 7 का साइन की है माइनस का, आंसर कितना आ गया 5-7-2। याद रखो कहावत याद रख लो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बड़ा उनदा की रात चलेगा बड़ा कौन है 7, तो 7 का की आएगा माइनस, जे 5 बड़ा होता 5 का की होता प्लस होता, याद रखना है जो बड़ा की है उनदा ही रात चलना है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं अपन नंबर लाइन वाला। नेक्स्ट अपने को माइनस फोर प्लस माइनस थ्री जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन। देखो दो में माइनस है, माइनस द फोर है माइनस द थ्री है, तो मैं माइनस फोर नु की कर लिया रिप्रेजेंट, मैं किन कर लिया माइनस फोर नु रिप्रेजेंट। नेक्स्ट की करना है माइनस थ्री, माइनस थ्री ने की करना है तेल जब करने हैं, पर किस साइड करने हैं आप, इस साइड करने हैं जीरो दो डिग्री सिंग ऑर्डर। सबकी दिखा गया फर्स्ट जंप सेकेंड जंप थर्ड जंप, आंसर कितना आ गया मेरे को माइनस सेवन। पर जो वैसे करना होंगा आप कि लेंगे फोर माइनस फोर प्लस माइनस माइनस, हम देखो दो में माइनस है तो हमेशा की होगा प्लस होगा, दो में माइनस है हमेशा प्लस होगा, पर साइन कितना लगेगा माइनस, याद रखना है दो में माइनस है होगा प्लस, पर साइन कितना लगेगा हमेशा ही माइनस का लगेगा। ये अपने को किसी नंबर लाइन की एडिशन, उस तो बाद की है आप करेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर की पहली प्रॉपर्टी की है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की कहती है अपन, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है दो इंटीजर है जिन्होंने आप ऐड करांगे तो वो भी आप जो रिजल्ट आएगा वो भी अपने को आएगा इंटीजर आएगा। मीन्स एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो इंटीजर्स, दो नंबर नु ऐड करांगे माइनस करांगे तो दोनों का रिजल्ट भी क्या होगा इंटीजर ही आऊगा। एडिशन या आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन से सब्ट्रैक्शन दोनों की करेंगे की आएगा इंटीजर। लाइक फोर प्लस थ्री किया कितना आ गया सेवन, ये अपने को है इंटीजर, ये भी अपने को है इंटीजर, ये भी अपने को है इंटीजर, सारे अपने को इंटीजर। दो इंटीजर नो ऐड करांगे या माइनस करांगे तो रिजल्ट भी की आएगा इंटीजर। एक गल रह गई सी, एक गल याद रखियो सारे नैचुरल नंबर की होंगे इंटीजर, सारे होल नंबर भी की होंगे इंटीजर, सारे नैचुरल नंबर इंटीजर होंगे सारे होल नंबर भी की होंगे इंटीजर। तो याद रखो एडिशन करांगे या सबट्रैक्शन करांगे रिजल्ट भी अपने को आएगा इंटीजर आएगा, दो इंटीजर लेके चलांगे रिजल्ट भी की आएगा अपने को इंटीजर भी आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कहती है दो इंटीजर है मेरे को ए एक बी, जे मैं ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ तो रिजल्ट मेरे को आएगा सेम आएगा। मीन्स नंबर को सीधा जोड़िए या नंबर को पुट्ठा जोड़िए आंसर मेरे को आएगा सेम आएगा। लाइक सेवन प्लस फोर कितना होता है इलेवन, पर जे मैं फोर प्लस सेवन करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा इलेवन। जे मैं सेवन प्लस फोर करा या फोर प्लस सेवन करा तो रिजल्ट दोनों का की आएगा सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कहती है एक नंबर को सीधा जोड़ना या नंबर का ऑर्डर इंटरचेंज करके जोड़ना रिजल्ट अपने को आता है सेम आता है, दैट इज अवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी अपने को एसोसिएट
associative property. Third property is associative. Associative property. Associative property की यानी ये A, B, C तीन integer है। मैं को example लाइक चले A, B, C किया तीन ना integer। ये मैं इस तरह add करा A plus B plus C, A plus B plus C। मैं पहला किया B के C नो add करा बाद C नो add करा या पहला A ते B नो ऐड करा बाद च C नो करा तो रिजल्ट की आएगा सेम लाइक 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 देखो पहला किया 2 plus 3 कितने हो गए 5 5 ते 1 कितना हो गया 6 मैं की कितना पहला 2 ते 3 नो ऐड कीता 5 आ गया फिर 1 नाल ऐड कीता कितना आ गया 6 इधर 1 से 2 कितना आया 3 प्लस किया आ गया 3 3 से 3 किया आ गया 6 मींस की है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नु के इंटीजर दे ऊपर अपन की कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं दो नंबर है तो सॉरी तीन नंबर है जब पहला दो अंक जोड़ के बाद च वन नाल जोड़िए या पहले दो अंक जोड़ के बाद थर्ड नाल जोड़िए तो आंसर दोनों का क्या आएगा सेम आएगा देखो पहला 2 से 3 नु ऐड कीता 5 बाद च 1 नाल कीता 6 या पहला 1 ते 2 नु कीता 3 फिर 3 नाल कीता आंसर कितना आया 6 इस तरीके नाल आपा कह सकदे हां जेडी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है नु के इंटीजर दे ऊपर अप्लाई आपा कर सकदे हां नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच अपने कोल एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स का मतलब ए कोई इंटीजर है उन दे विच मैं किन्नु ऐड करा रिजल्ट मेरे को कितना आ जाए 0 मैं ए नंबर है मेरे को ए कोई भी नंबर है कुछ भी नंबर हो सकता है ए उन दे विच की ऐड करा आंसर कितना आ जाए 0 तब मेरे को रिजल्ट की आएगा माइनस ए जे मेनू ने कहा 5 तब द एडिटिव इनवर्स की हो गया माइनस 5 बिल्कुल इजी है जे प्लस है तो हम देख के की लगा दो माइनस जे माइनस है तो हम देख के की लगा दो प्लस जे तो नो क्वेश्चन आया फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 तो आंसर की आएगा माइनस 6 जे आ गया फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए तो आंसर की आएगा तो निकला प्लस ए मींस की करना तो एक सिर्फ साइन चेंज करना है और देखो जे 6 के विच माइनस 6 को ऐड किया रिजल्ट कितना आ गया 0 माइनस 8 प्लस 8 को ऐड किया आंसर कितना आ गया 0 एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है नंबर विच केड़ा नंबर ऐड करिए फिर रिजल्ट की आ जाए अपने को 0 आ जाए तो कह सकते हैं ए का एडिटिव इनवर्स की आ गया माइनस ए तो माइनस ए का किया जाएगा ए आ जाएगा जिन्हें किया 6 का माइनस 6 आ गया माइनस 8 का किया गया प्लस ए तो साइन चेंज करके लिखना नंबर की रखना है सेम रखना ये चार प्रॉपर्टी से अपने को चार प्रॉपर्टी ने अपन डिस्कस किया हम के नेक्स्ट लेक्चर के विच अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि 29 तो एग्जाम है ते एग्जाम दे दी फर्स्ट चैप्टर आएगा सो फर्स्ट चैप्टर तुसी की है चंगी तरह रिपीट करना है ते नेक्स्ट वीडियो इस की है मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड करूंगा जो कल दो वीडियो है कि डेली और लेक्चर आउट के तोड़े को फर्स्ट चैप्टर दे ता तुसी इनु के ध्यान नाल पढ़ना सारी प्रॉपर्टी नु जो नंबर लाइन ऐड कीता सारी की नोटबुक दे ऊपर एज इट इज नोट करना है।